नमस्कार, देश विदेश को स्वागत कर विकास बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो। नमामि गंगे 2.0 रो आरंभ करिवे मोदी सरकार। नमामि गंगे 2.0 प्रस्ताव उपरे ईएफसी बैठक रे चली विचार। प्रकल्प समय सीमा अहुरी 5 वर्ष वृद्धि पाई योजना। ड्रग्स जालरे किंग खान को पुओ आर्यन खान मझी समुद्र रे क्रूज रे धला जहर कारबार बेले धरला एनसीबी। रेव पार्टी रे रेड परे गिरफ्तारी। आसंता काली जाई एनसीबी कस्टडी रे रहिबे। पडे वायरल हेउची पुओ को नेई शाहरुख को पुरुणा बयान। भवानीपुर उपनिर्वाचन में ममता बानर्जी विपुल विजय। 50,000 रु अधिक भोट व्यवधान में बीजेपी प्रार्थी को पकाइले पछरे समर्थकों को धन्यवाद जणाइले ममता। एपटे पिपिली में बीजेडी रो बाजीमात। 20,000 रु अधिक भोट रे जीतिले रुद्र। बीजेपी प्रार्थी आश्रित पटनायक द्वितीय स्थान रे। कांग्रेस रो नैराश्यजनक प्रदर्शन। अमानत हरायला कांग्रेस। द्विमुखी लड़ई रे बीजेडी सह बीजेपी। बृहत्तर स्वार्थ को दृष्टि रखि उत्तर प्रदेश योगी सरकार का बड़ निष्पत्ति। कोरोना काल में महामारी अधिनियम रुजु समस्त मामला प्रत्याहर करने को निष्पत्ति। सेपटे दुर्नीतिग्रस्त पुलिस को विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान निर्देश। सतर मास परे पर्यटकों पर खुलिला भारत नेपाल बॉर्डर। भारतीय पर्यटकों गाड़ी को स्वागत कले नेपालवासी। उभय देश द्वारा जारी कोविड गाइड अनुपालन जरूरी बोली कहिले बस। यूजीसी रे संत कवि जीवनी स्थान पाइबा को विभिन्न महल रे स्वागत। घोषणा परे खुशी साधु संत और साधारण जनता। सुवर्णपुर जिलावासी मध्यरे बढ़िला उत्साह। गतकाली घोषणा करथिले केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आसवा संपूर्ण खबर को। नमामि गंगे 2.0 रो आरंभ करिवे मोदी सरकार। गंगा एवं यार सहायक नदी गुड़िकर स्वच्छता एवं शुद्धता अभियान को त्वरान्वित करने केन्द्र सरकार नमामि गंगे 2.0 योजना आरंभ करने को जाऊँ। सूचना अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधीन नमामि गंगे 2.0 योजना को अंतिम रूप दि जाऊँगी। खूब शीघ्र यार शुभारंभ प्रक्रिया आरंभ हो। नमामि गंगे 2.0 प्रस्ताव उपर ईएफसी बैठक में विचार चली। आसंता मास प्रकल्प केन्द्र कैबिनेट रु अनुमोदन मिलिबो बोली आशा करा। नमामि गंगे प्रकल्प समय सीमा आहुरी 5 वर्ष वृद्धि करा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी रो जने वरिष्ठ अधिकारी शिशु एवं युवक मानंकु गंगा एवं अन्यान्य नदी सफा करने विषय सचेतन करने लोकप्रिय कमिक क्यारेक्टर चाचा चौधरी को मास्कट भाव में व्यवहार कराइबा बोली सूचना मध्ये रही। किंग खान शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान गिरफ। जहाजरे चली रेव पार्टी रे थिबा बेले धरा पड़िले आर्यन। जेरा करिबा परे गिरफ करिछि एनसीबी। आर्यन को सह मोट 8 जन एनसीबी द्वारा गिरफ होइछंती। रेव पार्टी रो आयोजक को एनसीबी रो समन। सेपटे आसंता काली जाए एनसीबी कस्टडी को गले आर्यन को सह आउ 2 जन। शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान गिरफ। जहाजरे चली रेव पार्टी रे धरा पड़िले आर्यन। चेरा परे गिरफ करिछि एनसीबी। आर्यन का सह मोट 8 जन एनसीबी द्वारा गिरफ। रेप पार्टी रा आयोजक को एनसीबी रा समन। शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान गिरफ होइछंती। मुंबई रे एक जहाज रे हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी रे शामिल हवा घटना को नै शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान को गिरफ करा जाइछि। एनसीबी रा स्पेशल टीम तांकु गिरफ करितिबार जणा पड़िछि। जहाजरे चलीतिवा रेप पार्टी रे शामिल थिबा बळे धरा पडिछंती आर्यन। तांको सह आउ 7 जण मध्य एनसीबी हातरे धरा पडिछंती। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो मुंबई यूनिट आर्यन को जेरा करिबा परे तांको गिरफ करिछि। एहा सहित आर्यन को मोबाइल फोन मध्य जबत करिछि एनसीबी। फोन रे से कहां सह कोन सब कथा होइछंती बा कहां सह से व्हाट्सएप चैट करिछंती से नहीं सविशेष जांच करा जिबा परे तांको गिरफ करा जाइछि। जेरा बेले घटना को नहीं आर्यन कहितिले जे से
से एही पार्टी पई टंका खर्च करिनाहंती तांको अतिथि भाबरे पार्टी को डका जाईतिला तेबे आर्यन का सह गिरफ होइतिबा अन्य सात जनक मध्यरे दिल्ली रो आसीतिबा तीन जन युवती ओ दुई जन ड्रग्स पेडलर तिबार जणा पडिचि घटना को नहीं एनसीबी डीजी एसएन प्रधान कहिछंती निशा मुक्त भारत गठन करिबा एनसीबी रो लक्ष्य तेणिकी घटन जी भी संप्रक्त था कहीं समस्त को तदंत परिसरभुक्त करा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। देखिए एनसीबी का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों कार्रवाई होगी। इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी, लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उस पर उसके बाद कार्रवाई होगी। सूचना था कि गत राति रे मुंबई रो गोवा यात्रा करबा को थीबा कॉडेलिया क्रूज एम्प्रेस रे रेप पार्टी रो आयोजन होइतिला। पार्टी रे ड्रग्स निया जाउतिबार सूचना मिलबा परे एनसीबी चढ़ाव करथिला। रेप पार्टी आयोजन करथिबा 6 जन आयोजकों को मध्य एनसीबी तरफरु समन करा जाइछि। जहां जो भीतरे ड्रग्स पार्टी रे बहु बड़ व्यवसायी को पिला माने भी शामिल होइतिबार सूचना मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सबड़े एनसीबी रो गिरफ परे आर्यन एवं अन्य दुई जन को 8 अक्टूबर पर्यंत एनसीबी कस्टडी रे निया जाइसी। समस्त को मुंबई कोर्ट रे एति पई हाजर करा जाइतला। कोर्ट रे 5 अक्टूबर पर्यंत कस्टडी पई एनसीबी पक्षरु दाबी करा जाइतला। तबे समान को 24 घंटा कस्टडी पई अनुमति मिलिछि। एथिरे अधिक पचरा उचरा करा जिबा सो आर्यन को फोन ने थिबा लिंक खोजिबो एनसीबी। सबड़े सोशल मीडिया रे वायरल हेबारे लागिछि आर्यन खान का पिता शाहरुख को एक पुराना वीडियो जेउथिरे तांको पुओं को नै अनेक कथा कहिछन्ते शाहरुख। वीडियो टी को वर्तमान सोशल मीडिया रे जोरदार शेयर करा जाउछ। अनपरे आर्यन को गिरफ को नै तांको समर्थन रे बाहरी पडिछन्ते बॉलीवुड रो किछि कलाकार। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर सन। नो नो एट ऑल, आई हैव जस्ट टोल्ड हिम दैट यू नो ही कैन व्हेन ही इज 3 और 4 इयर्स ओल्ड ही कैन रन आफ्टर गर्ल्स and he can he's smoke as much as he wants, he can do drugs, he can have sex, he can do womanize, he can... when he's 3 when he's 2 I think 2 months, because you know, it's nicer to start early and you know he should enjoy everything. he should have fun, he should do everything up. No, but and you know the fact is I would also like to add that jab jagah raid hoti hai to bahut sare logo ko le lete hain. Hum assume karte hain ki is bacche ne consume kiya, is bacche ne ye kiya. I think process चालू है, let's give that child a breather. हमेशा Bollywood पे जब हमारी industry की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे media टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा. Give the child an opportunity to report. Let the real reports come out. You know, till then बच्चा है. पश्चिमबंगे मुख्यमंत्री ममता बानर्जी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिबा भवानीपुर उपनिर्वाचन रे विपुल भोट व्यवधान रे से विजयी होती। ममता बानर्जी बीजेपी प्रार्थी प्रियंका चित्रेवाल को 58,000 रु अधिक भोट व्यवधान हराई। विजय पर ममता बानर्जी निज समर्थकों को धन्यवाद जनाई। भवानीपुर लोके मते विश्वास करथिबार धन्यवाद जनाउछि। सेपटे बीजेपी प्रार्थी प्रियंका निजर पराजय को ग्रहण करी कहिछंती मुँ पराजय को स्वीकार करुच्छी किंतु मोट कोर्ट जाऊ नाही। सेमाने कहुथिले जे ममता 1,00,000 रु अधिक भोट व्यवधान ने जितिबे किंतु पाखापाखि 50,000 भोट मिलिछि। ममता को तांको विजय रे शुभेच्छा जनाइछंती प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रार्थी। सेजन्य आमि प्रथमे भवानीपुरेर सकल मा भाई बोनेदेर আমার সকল সহকর্মীদের এবং সারা বাংলার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ যারা এই রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন এবং সালাম জানাচ্ছি। এক তো সবচেয়ে বড় বাত থি কি মানে ভোট কে দিনই ইয়ে সারি চিজ বল দি থি कि जिस तरह से ये लोग वोट कराने की कोशिश कर रहे हैं, झमेला कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने पहले दिन ही बोल दिया था।
तो एनीवेज डजंट मैटर, आई विल स्टिल कीप ऑन वर्किंग हार्ड। क्या कहेंगे मैच की बात कर रहे थे, ये तो आप मुझे बताइए। देखिए मैंने कल किसी का कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट की कोई न्यूज देखी, उसमें वो कह रहे थे कि जब एक मैच होता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया समझे, तो कोई एक टीम जीतती है एक हारती है, चलिए एक टीम जीत गई ममता बनर्जी की, लेकिन जरूरी नहीं कि जीतने वाले टीम का ही मैन ऑफ द मैच हो। तो इस गेम की मैन ऑफ द मैच में हूं, ये मैंने साबित किया। उस गढ़ में जाकर के मैंने इलेक्शन लड़ा पूरे साहस के साथ और 25,000 वोट से ज्यादा मुझे मिले हैं। परिणाम को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि देखिए नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का साहस फिर भी कम नहीं होता। पीपिली रे बीजेडी प्रार्थी रुद्र प्रताप महारथी विजयी होती। बीजेपी प्रार्थी आश्रित पट्टनायक को 20,916 भोट रे हराई। बीजेडी प्रार्थी रुद्र महारथी 96,972 खंड भोट हाथ। बीजेपी प्रार्थी आश्रित पट्टनायक 76,056 खंड भोट। आ कांग्रेस समान थी, कांग्रेस प्रार्थी 4,261 खंड भोट। ए विजय सह पीपिली पुणि थे महारथी राज पीपिलीवासी मन जितार समर्थ होती बीजेडी प्रार्थी रुद्र महारथी। पिपिली रे कांग्रेस रो नैराश्य जनक प्रदर्शन, अमान थरैला कांग्रेस, दुमुखी लड़ाई रे बीजेडी सह बीजेपी, पिपिली रे बीजेडी रो बाजी मात, पुणी महारथी राज दिवंगत नेता प्रदीप महारथी गड़ में पुह रुद्र महारथी विजय बाना उड़ाई। आउे विजय पर दृश्य बीजेडी एक विजय को नहीं नेता और कर्मी उत्सव मनाई बाण फुटाई मिठा खुआई। सात थर विधायक प्रदीप महारथी मृत्यु पर उपनिर्वाचन पुह रुद्र महारथी भरोसा करते बीजेडी सुप्रीमो आ पिपिलीवासी भरोसा जीति रुद्र महारथी। मुँ प्रथमे धन्यवाद देवी डेलांग पिपिली जनसाधारण को, सी मो पर विश्वास देखते भरोसा देखते जो भलपाइवा थिला स्वर्गत प्रदीप महारथी जो विश्वास मुझे भलपाइवा रही माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक मोदी से विश्वास भलपाइवा मत देखते सीटा बहुत भोट जरिया भी परिणत हो। आज जितेबाला भोट गणति आरंभ होता आरंभ रु लिड नहीं बीजेडी, बीजेडी और बीजेपी मध्य भोट व्यवधान 10,000 अधिक रही है। परवर्ती समय पार्थक्य आहरी बढ़ीला आ आश्रित पट्टनायक पराजयर सामना करने को पड़ता तेज द्वितीय स्थान में रही है बीजेपी। आम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डेलांग पिपिली जनसाधारण जहाँ निष्पत्ति आम मुंडपाति सही नौ निश्चित भाव डेलांग पिपिली अंचल विकास जो उद्यम जारी रही है भारतीय जनता पार्टी से भली जनसाधारण पे उद्यम जारी रहिबो। आ पिपिली उपनिर्वाचन रे अमानत हराइछि कांग्रेस, पूर्व उपनिर्वाचन परि कांग्रेस खाता रे एतटा भोट पड़ि नथला, तृतीय स्थान रे रहिछि दल। पिपिली रो पूर्वतन विधायक प्रदीप महारथी को मृत्यु पर उपनिर्वाचन पई घोषणा होइथला, तबे कांग्रेस प्रार्थी को मृत्यु एवं कोविड कारण दुई थरो बातिल होइथला निर्वाचन। शेषरे बे बीजेडी और बीजेपी से पुरुणा प्रार्थी को रखिथिबा बेले कांग्रेस देइथला नुवा प्रार्थी। तबे प्रदीप महारथी गड़ कहुवा पिपिली ने पुणि थे बीजेडी प्रतिपक्ष को हराई ए रेकर्ड विजय हासिल कर नजर पकाइबा पिपिली रो भोट परसेंटेज उपरे। पिपिली रो आलोक आशुतोष को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बुलेटिन आगु खबर जारी रहबो किंतु समय एक छोट ब्रेक रहो। ब्रेक परे स्वागत। रविवार गुजरातर गांधीनगर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन पर मतदान होती। 99 वर्ष बयस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी माँ हीराबेन मोदी बूथ को जाई भोट देते। रायसान 10 नंबर वार्डर सरकारी स्कूल रे होता पोलिंग बूथ रे हीराबेन मोदी भोट देते। हीराबेन मोदी प्रधानमंत्री मोदी सान भाई पंकज मोदी भोटिंग बूथ को आसी 99 वर्ष बयस भोट देवाक आसी समस्त बड़ उदाहरण पलटिंट हीराबेन। यहसह समस्त निज भोट देवार अधिकार को व्यवहार करने दरकार से एक
सुंदर बार्ता मध्य देइछन्ति। सूचनाजोग्य जे कोरोना पाई एप्रिल मास रे हेबाकु थिबा गांधीनगर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन रो 11 टी वार्ड रो 44 टी आसन पाई निर्वाचन को स्थगित रखा जायतला। आज एही आसन पाई मतदान होइछे। जातिर पितांकु न्यारा श्रद्धांजलि। जातिर पिता महात्मा गांधीक 152तम जन्मवार्षिकी अवसरें 32 जन छात्रछात्री करिछन्ति स्वतंत्र प्रयास। आदानी विद्या मंदिर छात्रछात्री माने महात्मा को नमस्कार शीर्षक एक कार्यक्रम करिछन्ति। बापूंक जीवन को स्मरण करिबा एवं तांकर मूल्यबोध को मने रखिबा पई सुंदर प्रयास करिथिले ई छात्रछात्री माने। आदानी फाउंडेशन ए स्कूल छात्रछात्री को द्वारा एभली प्रयास को विमान बंदर रे यात्री माने मध्य बेस प्रशंसा करिथिले। जातिर पितांको नियारा श्रद्धांजलि। विमान बंदरें यात्रींको देखाइले बापूंक जीवनी। अभिनय नृत्य माध्यम छात्र छात्रींको नियारा प्रयास। ए दृश्य होउछि अहमदाबाद विमान बंदरर। जातिर पितांको 152तम जन्म वार्षिकी अवसर में 32 जन छात्र छात्री करिछन्ति स्वतंत्र प्रयास। आदानी विद्या मंदिर में महात्मा को नमस्कार शीर्षक एक कार्यक्रम कर ब्यूटीफुल इवेंट एंड वी रियली हैड अ नाइस एनर्जी एट द एयरपोर्ट। द अदानी फाउंडेशन डिड अ वेरी वेल थिंग फॉर टू सेलिब्रेट 2nd October, दैट इज गांधी जयंती। एंड द सॉन्ग सिलेक्शन कोरियोग्राफी एंड एवरीथिंग वॉज वंडरफुल एंड पीपल एट द एयरपोर्ट रियली एंजॉयड द होल इवेंट। बापूंक जीवनी को स्मरण करिबा एवं तांकर मूल्यबोध को मने रखिया पई सुंदर प्रयास करिथिले छात्र छात्री माने। आदानी फाउंडेशन रो स्कूल रो छात्र छात्री मानक द्वारा एभली प्रयास को विमान बंदर रे यात्री माने मध्य बेस प्रशंसा करिथिले। एंड वी हैव सीन द किड्स परफॉर्मिंग फॉर द गांधी जयंती प्रोग्राम एंड आई रियली लाइक्ड इट। इट्स वेरी यूनिक टू सी पीपल जस्ट विश जस्ट कि भाई हां भाई यहां पे गांधी जयंती एंड वो सेलिब्रेट करते हैं। बट एयरपोर्ट पे जो एक पब्लिक प्लेस है वहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं और उस चीज़ को एनलाइटन करते हैं, इट शोज आर कल्चर, इट शोज आर अपब्रिंगिंग एंड इट शोज द वैल्यू दैट वी आर ट्राइंग टू गिव आवर किड्स आवर स्टूडेंट्स। तबे चर्चा रे रही थला स्कूल लो गुजरात रो आर्थिक दृष्टि रु दुर्बल श्रेणी छात्र मानको मूल्य मुक्त उच्च गुणात्मक शिक्षा दिया जाय थाय। देशर विभिन्न स्थान खास करी गुजरात रो अहमदाबाद, भद्रेश्वर छत्तीसगढ़ रो सरगुजा एवं आंध्र प्रदेश रो कृष्णपाटनम रे रहिछि आदानी फाउंडेशन रो स्कूल गुडी को। गांधी जी को याद करके सब लोग एयरपोर्ट पर भी देखे और जो गांधी जी के सिद्धांत थे स्वच्छता अहिंसा ये सबको आज सबको देखने मिले और अच्छा दृश्य प्रदर्शित हुआ गांधी जी का वो अच्छा है। जोटि पिलामानको खाद्य पुस्तक परिवहन सुविधा एवं यूनिफॉर्म सब दिया जाय थाय। 2008 रे 134 जन छात्र छात्रिन को सहित आरंभ होइतिबा ए स्कूल गुडी करे एबे 2400 पिला पाठ पढुछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। लोकंक बृहत्तर स्वार्थकु दृष्टि रखि उत्तरप्रदेश योगी सरकारको बड निष्पत्ति। कोरोना कालरे महामारी अधिनियमरे रुजु होइतिबा समस्त मामला प्रत्याहार करबाकु यूपी सरकारको निष्पत्ति। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते जे जनसाधारण स्वार्थ को दृष्टि रखी कोविड महामारी आईन उल्लंघन सह रुजु होता समस्त मामला प्रत्याहार होगा उचित। ए बाबदे गृह विभाग द्वारा आवश्यक कार्यानुषान ग्रहण होपर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस दुर्नीतिग्रस्त पुलिस कर्मचारी कड़ा टार्गेट करपर। लोक मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस भावमूर्ति आंच आणुंट समस्त विरोध में कठोर कार्यानुषान ग्रहण करोगी सरकार निष्पत्ति। चोरी हेबारो प्राय मासे बीतलाणी। न्याय तो दूरर कथा, आश्वासना भी देपारुनि पुलिस। ओलटा खाकीर गतिविधि सन्देह को बढ़ा हुचे। निजर पूंजी हरायथिबा दुकानी आगुकु आत्महत्या चेतावनी देइछन्ति। सेपटे तदंत चलीछि कहि समय गड़ै चलीछि निमापड़ा पुलिस। सरिला निर्वाचन एबे एक्शन रे आसीबो तो पुलिस।
आउ केते दिन गले मिलिबो न्याय चोर को देखिला परे भी काहे की चापरे पुलिस खोजी पाउनी ना जानी सुनी सुरक्षा दुछी चोर को सुरक्षा देबा को पुलिस करूछी की समयगडा बिचा एबे एसपी को पाखो को जिबे पीड़ित दोकानी संजीव साह ସେମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜି କାମ ଅଛି ଏ କାମ ସରୁ ସେ କାମ ସରୁ କହିଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଆଇଏସ୍ସି ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଭେଟିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଏମିତି ଦିନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଥାନାକୁ ପଠେଇଛୁ ସେମାନେ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେଇବି ମୋ ଗୁହାରେ ଜଣେଇବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଆଗକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମହାଜନ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନି ମୋତେ ଏସ୍ପି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବି ଯଦି ଏସ୍ପି କିଛି ନ ବୁଝିବେ ଥାନା ପାଖରେ ଯାଇକି ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି କି ନାହିଁ ତ ସେଠି ଯାଇକି ଗୁହାରିବା ପଡ଼ିକି ଜଗିକି ବସିବେ ସେ 400 ଫାଣ୍ଡିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାପରେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ନହେଲାରୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରକୁ ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ବଢ଼ଉଛି କ'ଣ କିଛି ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସମୟ 6:15 ସ୍ଥାନ ନିମାପଡ଼ା ନିକଟ ଅମରେଶ୍ୱର ବଜାର ସିସିଟିଭିରେ ଚୋରର ଚିତ୍ର ଟଙ୍କା ପିଡ଼ା ନେଇ ପକେଟ୍ରେ ପିଡ଼ାଉଛି ଚୋର ଥରେ ନୁହେଁ 3-4 ଥର ହାତ ସଫେଇ କରି ଟଙ୍କା ପିଡ଼ାକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ଚୋର ଚୋର ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭିରେ ତାର ଚିତ୍ର ଗଏ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ପ୍ରମାଣକୁ ପୋଲିସକୁ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ 16 ଚୋରର ଗାଡ଼ି ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମେ 4 ଛକ ଫାଣ୍ଡି ଓ ତାପରେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ହେଲେ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଚୋରର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଓ ମୋବାଇଲ ମାଗି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଚୋରର ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉ ନାହିଁ ତ ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଦିନ ସଞ୍ଜୀବ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ କେବେ ସେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ୁଛି ତାହା କେବେ ସମୟ କରିବେ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଓପି ଲିପି ବିରୋଧରେ ନିୟମଗିରିରେ ତେଜୁଛି ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ସ୍ୱର ବିକାଶ ନାଁରେ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ଠକୁଛି ଓପି ଲିପି ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଭାଗ ବଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶର କାମ 6 ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ 9 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଚଳୁ କରୁଥିବା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଓପି ଲିପି ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପୁଣି ବିବାଦରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଚାଟିକଣାଠାରେ ଥିବା ଓପି ଲିପି ସଂସ୍ଥା ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଡଙ୍ଗରିଆ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି କାମ କରୁଛି ଓପି ଲିପି ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଏହି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲେ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ 6 ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ଦେଇ 9 ଟଙ୍କା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ ଦସ୍ତଖତ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁତକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଥିବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 10 ଘରକୁ ଦେଇକରି 50 ଘରକୁ ଦେଲୁନି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ 15 ଘରକୁ ଦେଇକରି 50 ବସ୍ତା ଦେଲେ ନା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିସିର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗରେ ଥିଲା ଆମର ଡିକେଟି ସେଟା ଟିକେ ଚଳୁଥିଲା ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ତୁମର ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିକରି ନେବି ତ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତୁମେ ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲୋକ ତୁମେ ଗାଁର ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣ ଏଇଟା ଦେବା ସେଇଟା ଦେବା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏ ଆମେ କୁଆଡ଼େ କହିପାରୁନାହିଁ ଆମର ଗାଁ ସାଇ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରୁ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଡ଼ବା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦ୍ରାଜ ବାଜୁ ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ରୁ 70 ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶାଲିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୁ ସିଂ ଏବଂ ରବି ସିଂ ଉକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଡ଼ବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ଅଡ଼ବା ଥାନା ତରଫରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର ଅଛି UP 78DT 7006 ସେଥିରେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ସହିତ
गंजेई चोराचालाण होउथिला आउ ताकु आमे इंटरसेप्ट करिवार सक्षम होइछु एवं ताहार समुदाय गंजेई चोराचालाणर आनुमानिक ओजन होउछि 20 क्विंटल 800 ग्राम एवं तार एप्रोक्सीमेट वैल्यू होउछि 1 करोड़ एवं से कनेक्शन रे ड्राइवर रवि सिंह अलीगढ़ यूपी राजू सिंह अलीगढ़ यूपी तथा टंका समान उठ 5370 टंका बरामद करा दैछि। दक्षिण एशिया तथा भारत में पाश्चात्य औषध रे तालीम नेथिबा प्रथम महिला डाक्टर कादम्बिनी गांगुली निजर सारा जीवन रोगी सेवार उत्सर्ग करते डाक्टर कादम्बिनी केवल रोगी सेवा नुहे महिला मान उन्नति एवं महिला शिक्षा पर अवदान अतुलनीय। आज यही महाश्री महिला पुण्यतिथि अवसर में समग्र देश श्रद्धाजलि अर्पण कर डाक्टर कादम्बिनी गांगुली 18 जुलाई 1861 बिहार भागलपुर जन्मग्रहण करते कलिकता मेडिकल कॉलेज रे एडमिशन पाई प्रथम महिला। खाली भारत नुहे समग्र दक्षिण एशिया रे पाश्चात्य चिकित्सार से थिले प्रथम महिला डाक्टर। ऊनविंश शताब्दी रे देशर सामाजिक परिस्थिति दृष्टि एहा एक असाधारण सफलता थिला कारण से ही समय केवल पुरुष माने ही मेडिकल कॉलेज रे एडमिशन करुथुले। 1886 मसीहारे दक्षिण एशिया रे पाश्चात्य औषधर तालीम प्राप्त प्रथम महिला डाक्टर होइथिले कादम्बिनी गांगुली। 1892 मसीहारे युक्त राज्य बा यूके जाई डब्लिन ग्लासगो एवं एडिनबर्गरु अधिक तालीम ग्रहण करिथिले। सेठारु फेरिबा परे से स्त्री रोग विशेषज्ञ भावरे क्यारियर आरंभ करिथिले। से कोलकातार लेडी डफरिन हॉस्पिटल रे काम आरंभ करिथिले एवं शेष पर्यंत सेहिठारे ही रोगी सेवा जारी रखिथिले। केवल प्रथम महिला डाक्टर भाबे रोगी सेवारे निजकु सीमित रखिनथिले डाक्टर गांगुली। भारत में महिला और महिला शिक्षार उन्नति पर एक बड़ योगदान थिला। से प्रथम महिला भाव भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन मंच उपरे उपस्थित रहिबार गौरव हासिल करिथिले। समाज संस्कार आंदोलन में मध्य सक्रियतार सहित अंशग्रहण करिथिले डाक्टर कादम्बिनी गांगुली। 3 अक्टोबर 1923 परलोक होइथिला। भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वाधीनतार अमृत महोत्सव श्रृंखल आज कादम्बिनी गांगुली को मने पकाई पुण्यतिथि अवसर में देशर प्रथम महिला डाक्टर को अर्गस न्यूज़र गभीर श्रद्धांजलि। समय सरी बुलेटिन को इटर के बा नमस्कार।